स्तनपान के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने के उद्देश्य से नवदीप हॉस्पिटल में गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के तमाम महिला संगठनों की पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान डॉक्टर अनुपमा शर्मा ने बताया कि स्तनपान ना कराने से जहां बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास रुकता है, तो वहीं महिलाओं के शरीर में तमाम तरह की परेशानियां आने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। स्तनपान के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से नवदीप हॉस्पिटल में विभिन्न महिला संगठनों के साथ एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर अनुपमा शर्मा ने स्तनपान की विशेषताओं के बारे में सभी को जागरूक किया। डॉक्टर अनुपमा शर्मा ने कहा कि नवजात शिशु के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए स्तनपान बहुत आवश्यक है। वर्तमान समय में कई महिलाएं स्तनपान कराने से बचती हैं या फिर कम समय के लिए कराती हैं, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक है। पहले दो घंटे में स्तनपान करना शुरू कर देना चाहिए और दो साल तक तो करना ही चाहिए। छः महीने तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। छः महीने पे जो वीनिंग होती है उसमें दूध से वीनिंग नहीं करनी चाहिए, अन्न के और चीज़ें देनी चाहिए, अन्न है, केला है, बाकी चीज़ें देनी चाहिए, लेकिन एक्सक्लूसिव माँ का दूध देना चाहिए। हाँ जी, जो ब्रेस्ट, एक तो सबसे बड़ा ये है कि औरतों को ये होता है कि फिगर ख़राब हो जाएगी, जो ज़्यादा एडवांस है उनको तो ये डर होता है, लेकिन ये मिथ है, क्योंकि ये देखा गया है कि जितना आप वेट गेन करती हैं औरतें अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो वेट लॉस ज़्यादा होता है। इसके अलावा भी अगर जो बच्चे में माँ में बॉन्डिंग नहीं होती है और जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराती हैं उनमें ओबेसिटी का डर ज़्यादा रहता है और बच्चे में भी बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं। फीड नहीं करा के वो जल्दी से जल्दी बॉटल यूज़ करना चाहती हैं, पर हम लोग अपनी एज को अब 45 के अब बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने ये एक्सपीरियंस लिया है कि इसको कार्य को नवयुवतियों को ये सोचना चाहिए कि जो स्तनपान खुद का कराने से सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, फूड अच्छा मिलेगा, बच्चे का भरण पोषण अच्छा होगा। वो आजकल सिंथेटिक मिल्क आ रहे हैं, आर्टिफिशियल मिल्क आने से बच्चों को डिसेंट्री, डायरिया, कई प्रॉब्लम्स आ जाती है और कई इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। इन सब से बचने के लिए मदर फीड यदि आप कराएंगे और रेगुलर 6 मंथ से अबव तक कराते जाएंगे तो बच्चे किसी भी तरह की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे और उनको अच्छा खान पान भी मिलेगा, सब तरह के न्यूट्रिशंस मिलेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म के 2 घंटे के भीतर स्तनपान की शुरुआत करा देनी चाहिए और लगभग 2 वर्ष तक स्तनपान कराया जाना चाहिए, जो काफ़ी अच्छा है। साथ ही उन्होंने बताया कि इससे जहां बच्चे का विकास अच्छा होता है तो वहीं महिलाएं भी तमाम तरह की बीमारियां व परेशानियों से बचती हैं। कई महिलाएं वजन के चलते स्तनपान से बचती हैं, जबकि गर्भावस्था के दौरान बढ़ने वाला वजन स्तनपान कराने से काफ़ी कम होता है, जो महिला के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा है। ये प्रयास बहुत अच्छा है हम बहुओं के लिए, बच्चों के लिए। यदि हम अभी से शिक्षित नहीं करेंगे तो उन्हें कैसे नॉलेज मिलेगी, उन्हें कैसा रहना है, कैसे बच्चों का पालन पोषण करना है, उन्हें ब्रेस्ट फीड कराने के बारे में आदि चीज़ों के बारे में हमें उन्हें ज्ञान देने के लिए बहुत अच्छी पहल की है इन लोगों ने। इस पहल को हम सब संस्थाएँ मिलकर, मैं जागृति महिला मंडल की ओर से विश्वास दिलाती हूँ कि इस कार्यक्रम को हम बहुत ऊँचा और सफल बनाएंगे। क्यों कि जिस तरह के स्तनपान के ऊपर उन्होंने आज हमें सबको बुला के और इससे जागरूक किया, जिससे कि हम शहर के अंदर ज़्यादा तो नहीं गएंगे पर जितना प्रयास होगा उतने लोगों को जागरूक करेंगे, उनको इसके बारे में ये अवगत, क्योंकि ज़्यादातर लोग बच्चों को, यूथ को मालूम ही नहीं है क्या प्रॉब्लम आती हैं, इन सबसे हम बहुत कुछ अवगत कराएंगे। और मैं यही कहूँगी इनको, अनुमा जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह का वो उन्होंने अभी आज वर्कशॉप रखी, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के दौरान आए तमाम महिला संगठन की पदाधिकारियों ने कहा कि वे इस कार्यक्रम में जो भी जानकारियाँ लेके जा रही हैं वे अपने अन्य सदस्यों को इसके बारे में जागरूक करेंगी। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स ने गर्भावस्था के दौरान आने वाली विभिन्न तरह की समस्याओं के बारे में भी जानकारी दी, साथ ही स्तनपान कराए जाने के सही तरीके व समय से संबंधित जानकारियां भी महिलाओं को दी।